वाली होती है, 15-20 मिनट से लग ही जाती है। तो अभी 9:45 हो गए, 9:45 हो गया है। तो बाहर का वेदर आज बहुत ख़राब है, तो मेरे थोड़े से कपड़े धोने को थे, बट मैं आज शायद नहीं धो पाऊँगी क्योंकि ठंडा पानी है, बाहर धूप भी नहीं है। अगर और बार मैं यहाँ बाहर बैठ के ना इस यहाँ पर निकालती हूँ, मैं बाहर यहाँ पर बाहर बैठ के धोती हूँ धूप में, असल में धूप भी सेकती हूँ। तो चलिए मेरी चाय बन गई है और तब मैं उसको आपको थोड़ी देर के बाद। गाइस यहाँ मैंने निकाल दिए पीयू की ओल्ड बुक्स 3-4 साल की, तो एक रद्दी वाला आया था उसको दे दी। तो मैंने कहा आप मतलब जितने भी पैसे बनते वो आप रख लो, 30-40 रुपए बने थे, तो मैंने सोचा मेरे को कुछ मतलब वो नहीं होने वाला इतने पैसे, मतलब मैं कोई बड़ी नहीं हो जाऊँगी, सेठ नहीं हो जाऊँगी इतने पैसे। तो मैंने कहा आप रख लीजिए, आपको ज़रूरत है, इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी ठंड में। तो उसने चप्पल भी डाली थी पैरों में, फिर मैं जूते भी देने वाली थी उसको, बट जो उसने किया ना, मैंने कहा उसको बोरी दी थी मैंने, मैं कहा वापस ले आई, उसने कहा मैं अभी ले आऊँगा, बट वो नहीं लेके आया। तो होता है ना यार, दिल से टूट जाता है जिसको इतना करो और फिर वो कर दे तो अच्छा नहीं लगता है। तो वो वापस हट के नहीं आया बंदा, हालांकि उसने कहा था मैं रोड से वापस लेके आऊँगा। तो जिसको उंगली देते हैं ना वो पूरा हाथ खींचने की कोशिश करते हैं, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। सारी बुक सारे स्टील की चीज़ें अभी नीचे गिर गई है, सबको पता ही है कितनी तकलीफ हुई थी। और अब दिया है आपको लेकिन अखबार, तो 5 किलो का तो सामान हो गया ना, मैंने सुना नहीं 500 किलो, वो तो बहुत ज़्यादा थी, 5 किलो कुछ दिख रही होना आपको रद्दी वाले भैया। हाँ वो लेके गए अपनी, क्या लेकिन ना इनको तो पैसे, अगर ये पैसे की सेविंग भी करेंगे तो शायद हो जाए। तो अगर हम आपको कर रहे हैं तो आप जरूर इनको 500 रुपये दे देते, देखो बहुत अच्छे पैसे दे देते। बाय। गुड इवनिंग एवरी वन, अभी शाम के 5:10 हो गए, मुझे ना ऐसी लग रही है ठंड, तो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ अभी। हाइट में तो बर्फ़ पड़ रही होगी पक्का, नारकंडा तो बंद हो गया होगा, तो अभी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ बैक कैमरे से। 5 बजे देखो मौसम कितना ख़राब हो गया है, आज पक्का रात में बारिश होने वाली है और बर्फ़ पड़ने वाली है, और पूरा अंधेरा अंधेरा सा छा गया है। ये देखो बंदर था ये रहा, कपड़े सूखने में भी दिक्कत हो रही है, जो कपड़े मैंने कल के धोए थे वो अभी सूखे हैं, हालांकि वो पतले पतले कपड़े थे डेली यूज़ वाले पहनने के, तो वो अभी सूखे हैं। मैंने बाहर बिल्कुल भी नहीं खड़े रह सकते आजकल, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना। तो अभी मैं किचन में जा रही हूँ, पीओ को भूख लगी है, तो बच्चा तो कुछ भी नहीं है आज देगा, क्योंकि आजकल मैं मतलब इनफ बनाती हूँ, थोड़ा अपने लायक की बनाती हूँ, जितना दिन में लगे उतना ही खाना बनाती हूँ। तो दाल सब्ज़ी तो बच जाती है, बट चावल और चपाती मैं उतना ही बनाती हूँ, चावल भी शायद थोड़े बचे होंगे। पीओ को चावल खाना पसंद नहीं है, तो अभी मैं उसके लिए कुछ बनाने जा रही हूँ, उसका उसकी फेवरेट है जो मीठे चिल्लू होते हैं वो चीनी वाले, तो वो कह रही है कि वही बना दो मेरे लिए, तो वही बनाने जा रही हूँ अब। तो चलिए चलते हैं, पहले बना देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है।
तो मेरी अभी जस्ट खाना खा के फ्री हुई थी थोड़ी देर पहले, तो फिर उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया, गर्म पानी किया था थोड़ा सा, तो मैंने अपनी स्किन केयर कर ली है रात की जो मैंने आपको दिखाई है, क्योंकि लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है ना, जिस तरह को मैंने कैमरा रखा था तो थोड़ी शायद क्लियर नहीं आई होगी। और हाथों और पैरों में मैं नारियल का तेल लगाती हूँ, क्योंकि आजकल ना सर्दी में हाथ बहुत रूखे सूखे से हो जाते हैं, जैसे बर्तन धोने के बाद भी और कपड़े धोने के बाद भी, तो उसमें मैं नारियल का तेल लगाती हूँ पैरों में और हाथों में। और स्किन मतलब नाइट क्रीम के लिए मैंने फर्स्ट टाइम ली है ये VLCC की, जो डार्क स्पॉट को हटाती है, ऐसा इसमें लिखा है, मुझे अभी तक पता नहीं है कि इफ़ेक्ट करेगी या नहीं करेगी, तो देखते हैं, ट्राई करेंगे, जब तक है तब तक तो लगाऊंगी। तो अदरवाइज़ मैं और टाइम ना एलोवेरा जेल लगाती थी। तो चलिए मैं देखती हूँ, अभी सीरियल लगाया है शादी मुबारक, तो वो हम देख रहे हैं। तो अभी मैं आज के ब्लॉग का एंड भी कर रही हूँ अब, तो 8 बज चुके हैं, आज के ब्लॉग का एंड भी मैं यही कर रही हूँ, तो कल मिलूंगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें।